वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम जानेंगे सीबीएसई ने जो क्लास 10th का एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दिया है उसके बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आपकी बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं, जो कि 4 मई से होने थे 7 जून तक, तो वो क्या हो गए हैं, वो कैंसिल हो गए हैं, ये बोला गया था। तो ये भी उसमें कहा गया था कि अब आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे मिलने हैं। तो अब कल एक नोटिस आया है जिसमें सीबीएसई की तरफ से ये बताया गया है कि वो जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो क्या होगा और किस बेसिस पे आपको आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उसी के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो असेसमेंट होता है वो 100 मार्क्स से होता है ना, टोटल 100 मार्क का आपका असेसमेंट होता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं इंटरनल असेसमेंट के, और जो 80 मार्क्स हैं वो जो 80 मार्क्स हैं वो आपके किस चीज़ के होते हैं, वो आपके जो बोर्ड एग्जाम होने थे, ईयर एंड एग्जाम होने थे जो आपके, उसके बेसिस पे दिए जाने थे। अभी भी जो आपका असेसमेंट होगा वो उसी बेसिस पे होगा, मतलब अभी भी आपको जो 20 नंबर हैं वो इंटरनल के मिलेंगे और जो बाकी के 80 मार्क्स हैं, अब वो आपको क्योंकि बोर्ड तो हो नहीं रहा, अब वो जो 80 मार्क्स है वो भी आपको क्या देगा, वो स्कूल ही देगा। वो जो 80 मार्क्स हैं वो भी आपको स्कूल ही देगा। अब वो किस बेसिस पे देगा, तो जो आपके डिफरेंट टेस्ट या एग्जाम आपके स्कूल में हुए हैं, मतलब आपके प्री बोर्ड और जो आपके पीरियोडिक हुए हैं, उसी के बेसिस पे आपको अब मिलेंगे आपके जो 80 मार्क्स हैं। देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि किस तरह से डिविजन होगा आपके मार्क्स का, 80 मार्क्स का। देखो जो पीरियोडिक टेस्ट या जो आपके यूटी होते हैं 10 मार्क्स उसके बेसिस पे दिए जाने हैं, उसके बाद जो आपका हाफ ईयरली या फिर मिड टर्म एग्जाम हुए होंगे उसके बेसिस पे आपको 30 नंबर मिलेंगे, और प्री बोर्ड जो आपके हुए हैं उसके बेसिस पे आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। टोटल कितना हो गया, इन सबका टोटल हो गया 80 मार्क्स। तो इस तरह से आपको 80 मार्क्स दिए जाएंगे। अब इन केस की आपके स्कूल में, अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि पीरियोडिक आपके एक तो हुए नहीं, एक से ज्यादा हुए हैं, या फिर प्री बोर्ड भी आपके 2 या 3 प्री बोर्ड हुए हैं, तो अब किस तरह से आपको वेटेज दिया जाएगा। तो जो आपको वेटेज दिया जाएगा ये स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो एवरेज ले ले आपके तीनों एग्जाम्स का, या फिर जो तीनों में से आपका बेस्ट स्कोर है वो लगाए। तो ये आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि अगर आपके 2 प्री बोर्ड हुए हैं या 3 प्री बोर्ड हुए हैं तो उसमें से वो आपको एवरेज मार्क्स दे, या फिर आपके जो बेस्ट स्कोर हैं तीनों में से उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दे दें। यही चीज आपके पीरियोडिक के लिए भी लागू होती है और आपके मिड टर्म के लिए भी। अगर आपके पीरियोडिक 2 या 3 हुए हैं तो ये स्कूल के ऊपर है कि आपको एवरेज मिलेगा तीनों पीरियोडिक का, या फिर आपको तीनों में जो बेस्ट मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। इन केस ऐसा कुछ है कि आपके स्कूल ने आपके पीरियोडिक नहीं लिए हैं, अगर तीनों कैटेगरी जो आपकी एग्जाम्स की अभी दी गई थी उनमें से अगर कोई भी एग्जाम स्कूल ने कंडक्ट नहीं कराया है, तो ये स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर है कि वो किस तरह से आपको उसके मार्क्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसमें आपके लिए ज्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है, ये बेसिकली आपके स्कूल के लिए है कि वो किस तरह आपको मार्क्स देंगे। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या करना है। ऐसा नहीं कर सकते आपके स्कूल की इस बार 100% रिजल्ट दे दें। आपको पता है कि इस बार स्कूल वाले ही आपको मार्क्स देने वाले हैं और वही जो मार्क्स है वही आपका बोर्ड का रिजल्ट बन के आपको मिलेगा। तो स्कूल ऐसा नहीं कर सकते कि इस बार 100% ही अपना रिजल्ट दे दें, स्कूल ऐसा इस बार नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे स्कूल, देखो पिछले 3 साल का रिजल्ट देखा जाएगा। मान लीजिए 2017-18 में 72% आपके स्कूल का रिजल्ट गया था, 2018-19 में 74% गया था, और 2019 और 20 में 71% रिजल्ट गया था। तो स्कूल क्या करेगा, स्कूल जो आपका बेस्ट रिजल्ट पिछले 3 साल का गया है, मतलब 2018-19 में 74% ये आपके स्कूल का बेस्ट रिजल्ट है, तो इसके आसपास ही वो अपना इस बार का रिजल्ट बनाएगा, अपनी पासिंग परसेंटेज वो इसी के आसपास बनाएगा, 100% नहीं दे सकता। तो जो क्राइटेरिया इस बार हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन का, तो इसमें है कि प्लस माइनस 2 मार्क्स जो है वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो स्कूल है वो दे सकते हैं। तो इसमें आपके जानने के लिए ज्यादा जानकारी नहीं है, ये जो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है ये स्कूल के लिए है।
तो ये भी जितना सब कुछ दिया है, ये भी स्कूल के लिए है कि स्कूल को क्या करना है, कि पहले जो था कि भाई 3 साल का रिजल्ट देखा जाएगा और उसके बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई स्कूल न्यू है और 2 साल पहले का ही स्कूल है तो उन्हें क्या करना है, वो अपने पिछले 2 साल के बेसिस पे देंगे रिजल्ट, और अगर 1 साल का है तो वो अपनी एवरेज उसी हिसाब से लगाएंगे, और कोई बिल्कुल ही नया है, कोई ऐसा स्कूल है जो पहली बार ही अपना 10th का रिजल्ट दे रहा है, तो उनकी तो कोई ऐसा है नहीं कि पहले का कोई रिजल्ट हो जिसके बेसिस पे वो अपने मार्क्स लगाएं, तो उनको जो रिजल्ट है वो उनका जो रिजल्ट है वो बोर्ड ही तय करेगा कि किस बेसिस पे होगा। बोर्ड क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो भी मार्क्स आ रहे हैं स्कूल्स के, उनका कुछ एवरेज लेगा, ठीक है, और कुछ वो रेफरेंस फिर ऐसे स्कूल्स को देगा जो पहली बार 10th का रिजल्ट अपना देने जा रहे हैं। तो इसमें भी खास आपके लिए कुछ है नहीं, ये सब स्कूल के लिए है, तो मैं स्किप कर रही हूं पोर्शन। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है ये यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर किसी भी कभी भी अगर वेरिफिकेशन कुछ होता है और अगर स्कूल ने कंप्लाई नहीं किया है, ये जो पॉलिसी आई है इसके बेसिस पे अगर मार्क्स नहीं दिए हैं तो उनके साथ क्या होगा, तो डीएफिलिएशन हो सकता है और उन वो जो स्कूल है उनका जो रिजल्ट है बच्चों का वो रुक भी सकता है जब तक आगे की जो बोर्ड पॉलिसी है वो नहीं आ जाती। ठीक, ये सब स्कूल के लिए दिया है। अब आपके जानने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कैंडिडेट नॉट अपियर्ड इन एनी असेसमेंट, अगर कोई कैंडिडेट है अगर वो किसी भी असेसमेंट में अपियर नहीं हुआ है तो उनके साथ क्या होगा। आप में से काफी लोग होंगे जिन्होंने या तो अपना पीरियोडिक नहीं दिया होगा या फिर अपना प्री बोर्ड नहीं दिया होगा, तो ऐसे बच्चों के साथ क्या होगा। तो देखो क्या रूल आया है, देखो इफ एनी कैंडिडेट हैज नॉट अपियर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल में कंडक्ट एन ऑफलाइन और ऑनलाइन और अ टेलीफोनिक वन, और फिर क्या करना है यहाँ पे स्कूल को, ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर टेलीफोनिक आपका असेसमेंट लेना है, ठीक है, और वो रिकॉर्ड रखना है अपने पास और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देने हैं। ठीक, तो अगर आपका आपने कोई भी मिस कर दिया है अपना असेसमेंट, कोई भी अपना आपने टेस्ट मिस कर दिया है तो घबराइए मत, स्कूल वाले क्या करेंगे आपका ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर टेलीफोनिक जो है एक असेसमेंट ले लेंगे। जो नेक्स्ट है, देखिए अगर कैंडिडेट है जिसको कोई भी डिसेबिलिटी है तो अब उनके लिए क्या होगा, अब किसी को अगर कोई भी डिसेबिलिटी थी, कैंडिडेट को किसी को भी कोई डिसेबिलिटी है तो, और उस वजह से उन्होंने एग्जाम नहीं दिया तो क्या होगा, तो देखो तो उनके जो पोर्टफोलियो है, प्रेजेंटेशन है, प्रोजेक्ट है, क्विज, ओरल टेस्ट, इस तरह से जो उनके इंटरनली असेसमेंट हुई होगी ना पहले, तो उसी के बेसिस पे उनको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे पॉइंट बता रखा है वो ये है कि रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, मतलब अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स भी है, मतलब जो आपके 5 मेजर सब्जेक्ट हैं, अगर वो जो आपके 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा अगर आपके पास पेंटिंग, म्यूजिक या कोई भी और सब्जेक्ट है तो उसमें क्या होगा, आपको बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको अलॉट हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ग्रेस मार्क्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो देखिए ग्रेस मार्क्स के बारे में क्या बताया है कि एक बार जब आपके थ्योरी मार्क्स और जो इंटरनल मार्क्स हैं वो सब कंप्यूट कर लिए जाएंगे उसके बाद ग्रेस मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू यू, ठीक है, और वो किस बेसिस पे दिए जाएंगे, ये जो पॉलिसी है इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मीट करने के लिए अगर आपको कोई भी ग्रेस मार्क की जरूरत है तो वो आपको मिल जाएंगे, तो वो जो आपको मिलेंगे बोर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी अगर कोई बच्चा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं मीट कर पा रहा तो फिर उनकी क्या आ जाएगी, उन्हें दोबारा पेपर देना पड़ेगा, उनकी आ जाएगी कंपार्टमेंट। नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, अब बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि भाई अगर कंपार्टमेंट आ गई तो फिर कहाँ देने जाएंगे, वो कैसे होगा, तो जो कंपार्टमेंट एग्जाम है इस बार वो उनके स्कूल ही कंडक्ट करेंगे, तो जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है वो आपका स्कूल ही कंडक्ट करेगा। परमिशन टू कंटिन्यू इन क्लास 11th, तो ये भी डाउट आता है बच्चों का कि अगर कंपार्टमेंट एग्जाम हो रहे हैं उनके तो जब तक जो रिजल्ट नहीं आता कंपार्टमेंट का तब तक क्या वो क्लास 11th कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बिल्कुल सीबीएसई ने ये परमिशन दे दी है कि जब तक आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आता
तब तक आप क्लास 11th कंटिन्यू कर सकते हो। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये बता रखी है कि अगर किसी बच्चे के पास मैथमेटिक्स बेसिक है तो क्या वो 11th में मैथ्स ले सकता है। आप सभी को पता है कि पहले यही रूल आया था कि क्लास 10th में अगर कोई बेसिक ले रहा है तो अपनी अपर स्टडी में मैथ्स नहीं ले सकता। स्टैंडर्ड जिन्होंने लिया है मैथ्स वही परस्यू कर सकते हैं आगे मैथमेटिक्स, पर इस साल इस रूल को जो है इस साल वाले बच्चों के लिए हटा दिया गया है, उन्हें एक एक्सेप्शन दी गई है। तो जिन जो बच्चे मैथ्स बेसिक के हैं वो भी इस बार दे सकते हैं मैथ्स, मतलब वो भी आगे परस्यू कर सकते हैं क्लास 11 में मैथमेटिक्स। तो उन्हें इस बार परमिशन दे दी गई है अपनी हायर स्टडीज में मैथ्स परस्यू करने के लिए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है स्ट्रीम इन क्लास 11th। तो यहाँ पर लिखा है कि स्टूडेंट आर अलाउड टू ऑफर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रीमिंग। तो अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर अब यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं कमिटी के मेंबर्स के लिए कि भाई उन्हें क्या रूल फॉलो करने हैं, उनकी क्या रूल रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये काम की बात नहीं है आपके लिए। तो हम डायरेक्टली अब जाते हैं इम्पोर्टेंट बात पे कि आपका रिजल्ट कब आना है। तो देखिए ये आपकी पूरी डेट लिखी हुई है कि आपका रिजल्ट कब आना है। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ बताया हुआ है कि जो 5th मई है, 5th मई तक जो कमिटी है उसको फॉर्म होना है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्क्स, दैट विल बी अप टू 10th मई। उसके बाद अगर कोई भी बच्चा है जिन्होंने प्री बोर्ड नहीं दिया, जिनका कोई भी असेसमेंट नहीं हुआ है, तो वो असेसमेंट 15 मई तक कराएंगे स्कूल वाले। अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल, फिर मार्क्स अपलोड करने के लिए जो पोर्टल की अवेलेबिलिटी है वो 20 मई से स्टार्ट हो जाएगी, और जो अपलोड है रिजल्ट वो स्कूल वालों को मैक्सिमम 25 मई तक कर देना है। उसके बाद चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स, तो जो मॉडरेशन और जो चेकिंग करनी जो चेकिंग है वो आपकी 28 मई तक होगी। फाइनल सबमिशन ऑफ मार्क्स विल बी अप टू 5th जून। तो 5th जून तक CBSE को मॉडरेशन किए हुए जितने भी मार्क्स हैं वो भी सारे सबमिट कर दिए जाएंगे, और जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं जो 20 में से आपको मिलेंगे वो आपको, वो जो स्कूल वाले हैं वो 11th जून तक वो आगे सबमिट करा देंगे। और फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको 20 जून तक मिल जाएगा। तो आपको क्या डेट याद रखनी है, 20 जून, ठीक है। तो 20 जून को आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं।